अरे यार फोकस नहीं कर रहा, ये किसी वही हाथ है। क्या आप चाहते हैं कि आप आ ये पेन हो रहा है। ओए यार तो काफी बड़ा लग रहा है, मतलब हाथ के बराबर है, कोई बच्चा सही है। मैं पीछे हटते हैं यार। मेरा नाम है ओम और आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी होगी 2-3 सेकंड के लिए, क्योंकि ये क्लिप देखने के बाद ना मेरे को खुद अंदर से एक अजीब सा फील हो रहा है। इसलिए मेरी वीडियो छोटे बच्चे, बड़े लोग, गर्भवती महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सब देखते हैं, तो उनके मन में कोई डर ना बैठे इसलिए मैंने इसको पूरा प्ले नहीं किया, सिर्फ दो तीन सेकेंड ही प्ले किया। कहते हैं एक गाँव है, गाँव का नाम वहाँ मैं बताने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि होगा क्या अगर मैंने बताया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, फिर वो सर्च करेंगे और उस जो भी ये औरत जो भी जिनका भी ये बच्चा था उनके घर जाएंगे, उनको परेशान करेंगे, उसकी मम्मी को परेशान करेंगे, उसके पापा को परेशान करेंगे। इसलिए मैं गांव का और किस जगह पे है मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट मैं बताना चाहूँगा, कहते हैं कि एक शैतानी बच्चा है, जब ये वो पूरे गांव में एक हड़कंप समझ गया था। गांव वाले का कहना है कि ये पूरे गाँव को बर्बाद कर देगा, आसपास के इलाकों को भी। तो इसको यहाँ इसकी कब्र है बहुत, मतलब ये फूल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लोग गांव वाले आके ना यहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ताकि ये इस कब्र से ना उठे और गांव वालों को परेशान ना, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि जिस दिन ये उठा, ये कब्र से बाहर आया, ऐसे कहावत कह रहे हैं, जिस दिन ये कब्र से बाहर आया उस दिन गांव का कोई भी नहीं बचेगा। रात को क्या, दिन को भी लाइक 4-5 लोग आते हैं, तो इस ये आपको फूल दिख रहा है, ये यहाँ पे उस कब्र पे, उस बच्चे की कब्र पे आके पूजा करते हैं। वैसे कोई भी रात को क्या शाम को भी नहीं आता। कहते हैं कि इस कब्र में ऐसा लगता है कि जैसे वो उठने की कोशिश कर रहा है, इसमें से आवाज़ें ये सब आती हैं। लास्ट बार मेरा दोस्त भी आया था यहाँ पे पांडे, बट उसको एक कब्र नहीं मिल पाई, क्योंकि कब्र मैं दिन में आया था, दिन में मैं एक ये जो गांव है सांबली करके एक गांव है वहां पे उनके जो मैंने गांव का नाम फिर भी ले लिया, तो गांव एक आवाज है, जो डर है ना अचानक से डर गया मैं, मेरे को पानी पीने दो, मैं सच में बहुत डर गया यार, क्योंकि बच्चे को देख के ना, जैसे मैंने वीडियो देखी ना, लोग कहते हैं सब मना कर रहे हैं कि मत जाना, बट गांव वाले कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर दो, मतलब शांति वांति प्रदान करा सकते हो तो करवा देना, क्योंकि गांव में सब दहशत में है। फिलहाल मैं डर गया ये आवाज़ सुन के, तो मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा पास जाऊँ, ज़्यादा पास भी नहीं जाऊँगा। दिन में सब लोग आते हैं ये फूल माला पूजा करने यहाँ पे, ये इस कब्र पे। क्या होता है हिंदू रीति रिवाज में, कई लोग का हुआ कि एक देखो वो देख रहे कब्र वहाँ पे, अभी नई ताजी है, एक कब्र उधर है, मतलब यहाँ पे बच्चों को जो गांव के आसपास के लोग हैं ऐसे दफना देते हैं, तो इस कब्र के पास है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उस बच्चे का हूँ, ओए यार ये आवाज लग रहा है जैसे इसमें से ही आ रही है, कौन है बेटा, ये आवाज़ इसमें से ही आ रही है, ये आवाज़ इसमें से ही है। मैं थोड़ा हटता हूँ और मैं उसके होने का एहसास में होने का ना मतलब लाइक कुछ करके देखता हूँ। अरे देखो कब्र के बिल्कुल पास मैंने बिछाया एक काला कपड़ा और मैं इस पर छिड़कता हूँ पाउडर, ताकि मैं उस बच्चे से जो भी वो बच्चा उससे बोलूँगा कि इस पर चल के दिखाए, और वो अगर चलता है तो कुछ ना कुछ हमें वो दिखेगा, लाइक उसके कुछ तो निशान वो दे के जाएगा। तो इस बार एक बार हम वो ट्राई करते हैं, और बात करने की किसी की आवाज़ आ रही है दूर से, पता नहीं किसकी आ रही है, तो एक बार वो करते हैं। मैं पहले पहले पूरे पाउडर छिड़क देता हूँ एक बार। तो मैंने जस्ट बिल्कुल कब्र के ना सामने ही इस कपड़े को ब्लैक कपड़े पाउडर छिड़क के रखा था, कि बच्चा अगर कहते हैं कि वो निकलता है और लोगों पर हमला करता है, तो अगर वो निकलता है तो इस पर इसके कुछ निशान शायद छप जाएँ, इसलिए मैंने इसको रखा है। क्या बाबू आप जो भी हैं, मुझे पता है इस दुनिया में आप नहीं आना चाहते थे, आपको लाया गया। और एक कहावत ये भी है, कहते हैं उसके घर वालों ने उसको जिंदा ही इस कब्र में दफना दिया, ये आपको दिख रहा होगा, ओए ये देखो आवाज़। मैं बिल्कुल पास में थोड़ा पास चलता हूँ, कहते हैं ये देखो दिख रहा होगा आपको, और ये आवाज़ आ रही है इसमें से। क्या आसपास कहीं हो आप, क्या आसपास हो आप कहीं,
क्या अपने होने का एहसास आप कराओगे? आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैं पीछे हट जाऊं? आप रो क्यों? अरे यार, ऐसा लगा जैसे कोई बगल से गया है। और ये हाथ के निशान है कि पैरों के निशान है? ये आए हैं, ये पैर के निशान लग रहे हैं। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये देखो मेरा हाथ, ये ऐसे लग रहा है घिस्ट, ये यहाँ से ये उंगलियां और वो दूसरा पैर। पैर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब हाथ के बराबर है। वो देखो ये कुछ सा निशान है, ये देखो जैसे यहाँ से चल के एक पैर यहाँ पे, एक पैर इधर रख के कब्र की तरफ। फिलहाल रोना बंद हुआ, उस पास बैठा हूँ, मेरे को डर भी लग रहा है बट फिर भी बैठा हूँ। उसमें जैसे कहते हैं ना दुख 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 ऐसा होता ही है, बट अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ बट फिलहाल कुछ नहीं, आवाज़ें बंद हो गई हैं, किसी ने अपने होने का प्रूफ तो दिया है। क्या आसपास आप कहीं हो? फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या आसपास कोई है जो अपने होने का एहसास मुझे करवा सकता है? क्या बाबू आप आसपास कहीं हैं? क्या ये आपने किया है? क्या आपने किया है? अगर आप आसपास कहीं हैं तो। ओए ओए, ये क्या था? अरे यार, मुझे जैसे ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ था यहाँ पे कब्र पे, और मैं डर के पीछे गिरा। अरे यार, मुझे किसी का हाथ लगा यहाँ पे, जैसे इस कब्र से किसी ने हाथ निकाला है। कोई तो था, क्या कोई आस पास? ये जिसने हाथ किसी का ना, वो छोटे बच्चे का तो हाथ नहीं लग रहा था यार, हाथ तो काफ़ी बड़ा लग रहा था, बस वो हाथ हाथ था। ये फिर से आवाज़ आने लगी। अरे यार, मेरे हाथ कांप रहे हैं फिलहाल तो। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? अरे यार, एक तो ये बच्चा है, क्या बताएगा, बट मुझे किसी का हाथ लगा था यहाँ पे और ये रो रहा है, और ये रो रहा है, ये रो रहा है। कहाँ हो आप? क्या आप सामने आ सकते हो? क्या आप सामने आ सकते हो? क्या आसपास हो आप कहीं? यार ये देखो यार, ये ना किसी की आवाज आ रही है, उस बच्चे की आवाज उस कब्र से मुझे लग रहा है जैसे आ रही है। ओह ओह, अरे यार ये क्या हुआ है, जैसे किसी ने ऐसे जोर का पकड़ा था। और ये निशान है कुछ, और ये आवाज ही बंद हुई कब्र में से आना। Please like and subscribe Horror Inn channel. बहुत जोर के ना किसी ने दबाया, जैसे इसको ना यूं करके, पता नहीं कौन है। क्या आप चाहते हैं कि आप यार ये पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है यार, वो जैसे जलन होती है ना जलन, वो हो रहा है इस टाइम इस पे। आई डोंट नो क्या पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पे ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना बहुत जोर की यूं दबाया एंड उसके ना जलन हो रही है। Please like and subscribe Horror Inn channel. ये बहुत जोर की जलन सी हो रही है यार इसमें। जैसे
और पसीना है ना उसमें से और जाके ना वो बहुत जोर के जलन कर रहा है यार। मैं इस चीज़ से यार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी मांग। ओए, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये कैमरा बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है, ये है क्या? ये क्या है यार, ये कुछ चीज़ है, कोई बच्चा सा ही है। मैं पीछे हटता हूँ यार। और मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहाँ पे दोबारा जाऊँ और वो सच। ये क्या है, कुछ था यहाँ पे, हट गया। वे अरे यार फोकस नहीं कर रहा, ये किसी वही हाथ है, वही किसी बच्चे का हाथ है, किसी बच्चे का हाथ है। मुझे फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही अब तो। ये देखो गाड़ी के पीछे कोई है, जब ये बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रही यार। पता नहीं यार गाड़ी के पीछे क्या है। ये देखो नो सिग्नल लिख के आ रहा है पीछे, ये देखो नो वीडियो नो सिग्नल, पीछे का आ ही नहीं रहा। और रात का टाइम देखो तो 12:27, पीछे नो सिग्नल, पीछे का सिग्नल ही गायब है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अरे यार वो पीछे ऐसा लग रहा है जब टकरा रहा है, बार बार ये हो रहा है। ओए अरे यार ये क्या है, ये वही वही चीज जो मैंने देखा था। अरे यार ये वही चीज़ है। हाँ तेज निकलता है फिलहाल यहाँ से यार।